नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपके करियर में काफी अच्छा काम करेगी, इंप्रूव करेगी, और आगे से आप इस चीज का बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट। काफी सारे एम्प्लॉई ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे सीनियर पर डिपेंड होते हैं। डिपेंड होने का मतलब ये है, कई तरह से डिपेंड होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके अंदर ऐसी काबिलियत नहीं है कि वो किसी जगह पे इंटरव्यू देके कोई पोजीशन प्राप्त कर पाएंगे, या किसी दूसरी कंपनी में वो इंटरव्यू देने लायक नहीं है, ऐसा वो समझते हैं। लेकिन वो अपनी कंपनी में काफी अच्छे परफॉर्मर होते हैं, टारगेट भी अचीव करते हैं, और वहां पर उनको लोक लुभावन वायदे किए जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट हेड, रीजनल सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, इन लोगों के द्वारा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है आपकी और आपका जल्द ही प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह आती है कि एक ही सिस्टम में एक आदमी का प्रमोशन तब होगा जब ऊपर वाली सीट खाली होगी। यानी वो जिस भी पोजीशन पे है, अगर वो सेल्स ऑफिसर पे है, अगर उसका बॉस एएसएम उसे कह रहा है कि आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो मोस्टली क्या होता है, 99.99% केस में ये होता है कि आपका प्रमोशन उसी एरिया में होता है, मिडिल लेवल की कंपनी और छोटी लेवल की कंपनी में। और एमएनसी की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वहां तो जो प्रमोशन होता है तो वो किसी भी एरिया में आपको डाल सकते हैं जहां भी जगह खाली है। लेकिन मिडिल कंपनी, छोटी कंपनी और लाला कंपनी में ऐसा नहीं होता। आपका जो प्रमोशन होता है उसी एरिया में होता है, क्योंकि इन लोगों की जो माइंडसेट होता है, इन कंपनियों में जो सीनियर लोग होते हैं उनका जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है, यानी बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा सोचते हैं। तो वो अगर किसी को प्रमोट करेंगे तो उसी एरिया में करेंगे। अब अगर आपका एरिया सेल्स मैनेजर आपको कहता है कि आपका प्रमोशन जल्दी ही हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, दिवाली पर हो जाएगा, तो आप ये सोच के देखो कि क्या एरिया मैनेजर जॉब छोड़ के जाने वाला है, क्या एरिया मैनेजर का प्रमोशन होने वाला है, क्या आरएसएम की जो पोस्ट है वो खाली होने वाली है, क्या स्टेट हेड की जो पोस्ट है वो खाली होने वाली है, जिससे कि एएसएम का आरएसएम पे होगा, स्टेट हेड पे होगा, और वो जब पोजीशन खाली होगी तो मैं जो सेल्स ऑफिसर हूं मेरा प्रमोशन एएसएम हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए, तभी आप पता लगा पाएंगे कि आपके साथ झूठे वायदे किए जा रहे हैं या सही वायदे किए जा रहे हैं। लेकिन आदमी इतना कामचोर हो गया है कि वो टारगेट तो अचीव करता है, उसका एक चीज पे फोकस है लेकिन दूसरी चीज पे फोकस नहीं है। मुझे मार्केट में ऐसे लोग इतने सारे मिले जो कि परफॉर्मर हैं, तीन तीन चार चार साल से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन हर साल उनका क्या होता है, 200 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए बेसिक सैलरी में बढ़ जाती है। यानी उनकी सैलरी ना के बराबर बढ़ती है, लेकिन उनके लिए तालियां बज जाती हैं कि आपका प्रमोशन हो गया, आपका इंक्रीमेंट लगा है। इंक्रीमेंट कितना, जब वो कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि बेसिक सैलरी में 250 रुपए, 350 रुपए, 200 रुपए, 550 रुपए बढ़ा है। वो कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती, बहुत ही छोटी चीज होती है। लेकिन ऐसे लोग इसलिए ऐसा सोचते हैं, अपने सीनियर के पीछे लगे रहते हैं कि हमारा सीनियर किसी कंपनी में जाएगा, उसका प्रमोशन होगा तो वो मुझको भी लेके जाएगा, और अगर मेरा एएसएम है तो अगर ये किसी कंपनी में जाएगा, उन्हें विश्वास होता है कि इनका जो एएसएम है वो किसी कंपनी में जाएगा, आरएसएम, तो वो एएसएम पे मुझे बुला लेगा, इनको इतना विश्वास होता है। लेकिन इनको इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो 10 कंपनियों में इंटरव्यू दें, 10 कंपनियों में अपना रिज्यूमे डालें, वहां पर इंटरव्यू देने की इनकी काबिलियत नहीं होती। और ऐसे लोग, ये खासतौर से मैंने देखा इनका माइंडसेट, जैसे मैं बातें करता हूं, पता लगाता हूं, तो माइंडसेट ये होता है कि ये इंटरव्यू से डरते हैं और इंटरव्यू नहीं देना चाहते, बिना इंटरव्यू के सिफारिश से ये ऊंची पोजीशन पे जाना चाहते हैं, अपनी कंपनी में या दूसरी कंपनी में। और बहुत केस में मैंने ये देखा है कि ये एएसएम आरएसएम के झांसे में रहते हैं, दो दो साल से, तीन तीन साल से झांसे में है कि आज
मेरा ESM कहीं जाएगा या इसी कंपनी में प्रमोट होगा तो जो पोजीशन खाली होगी वो मैं ले लूंगा। इसी चक्कर में ऐसे लोग अपनी दसियों 12 साल 13 साल ऐसे ही बिगाड़ देते हैं और बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं होते। थक हार के वो बाद में इंटरव्यू देना चालू करते हैं या उनका भूल से कोई ASM RSM किसी दूसरी कंपनी में चला जाता है तो उनको एक पोजीशन ज्यादा मिल जाती है, लेकिन इस पोजीशन को लेने में उनको 5-6 साल 10-12 साल लग जाता है। जबकि वो 10-12 साल में अगर देखा जाए तो वो 2-3 बार प्रमोशन ले सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी काबिलियत है। लेकिन ये लोग अपनी एक दो स्किल्स में तो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन अपनी जो एक दो और स्किल्स होनी चाहिए उसमें बहुत ज्यादा डल होते हैं, उसको इंप्रूव नहीं करते। किसी भी सेल्स पर्सन का या किसी भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय अगर काम करता है, किसी भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय, तो उसको कई तरह की स्किल्स देखी जाती है। और जब कई तरह की जो स्किल्स है वो बराबर इंप्रूव होती रहती है तो आपका जो ग्रोथ है, चाहे मॉनेटरी ग्रोथ हो यानी मनी वाला ग्रोथ हो, सैलरी वाला ग्रोथ हो, पोजीशन वाला ग्रोथ हो, या आप खुद का अपना कुछ कर सकें, इस तरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये स्किल्स क्या होती हैं दोस्तों? एक स्किल्स होती है काम करने की, कि हम किसी भी पोजीशन पर जा रहे हैं वहां पर उस काम को कैसे बढ़िया तरीके से करेंगे ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हमारा नाम हो, कंपनी में हमारी वाहवाही हो। कई तरह की स्किल्स और भी इंप्रूव करनी होती है इसके साथ साथ, केवल काम करना एक स्किल्स नहीं है। आपको मैनेजरियल स्किल्स भी इंप्रूव करनी होती है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव करनी होती है, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इंप्रूव करनी होती है। प्रेजेंटेशन में मान लीजिए आपको पहले तो प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये प्रेजेंटेशन आपको बनानी आनी चाहिए। इसके लिए भी स्किल्स होती है, इसके लिए भी चीजें सीखना पड़ता है, लैपटॉप चलाना पड़ता है, लैपटॉप चलाना पूरी अच्छी तरह से आना चाहिए। 10 लोग, 20 लोग, 100 लोगों के सामने आपको बोलना आना चाहिए। तो भी आप अगर ऊंची पोजीशन की ख्वाहिश रखते हैं तो वहां पर कई सारी स्किल सेट होती हैं। केवल एक माल को बेचना, प्रोडक्ट को बेचना या किसी काम को अच्छे तरीके से करना ही एक स्किल्स नहीं है। ये स्किल्स तो कंपनी के लिए फायदेमंद है कि उसको एक ऐसा बंदा मिल गया जिसको ये काम अच्छी तरह से आता है, लेकिन अगर आपको अपने पैसे बढ़वाने हैं, अपनी सैलरी बढ़वानी है, अपनी पोस्ट बढ़वानी है, तो आपको वो स्किल्स आनी चाहिए, इंटरव्यू स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, टेक्नोलॉजी वाली स्किल्स, बोलना आना चाहिए। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि मैं किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे सकता हूं। अगर आपने सेल्स ऑफिसर हैं अभी और आपने कभी भी ASM का इंटरव्यू नहीं दिया है, लेकिन आपको पता है कि यार मैं ASM का जब इंटरव्यू दूंगा तो फाड़ के रख दूंगा, मैं इंटरव्यू में बजा के रख दूंगा, तो फिर आपको देना चाहिए। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है। अब एक उल्टी बात मैं बता दूं, एक पीछे छुपी हुई बात, बहुत सारे लोग इस चक्कर में रहते हैं कि उनका ASM RSM जाएगा तो वो किसी बड़ी पोजीशन पे उनको लेके जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो लेके नहीं जाता। क्योंकि अगर एज ए RSM मैं सोच रहा हूं कि ये जो सेल्स ऑफिसर है इसको काम करना तो आता है, इसको मतलब ये जो टारगेट दूंगा मैं सेल्स का, जो दूंगा डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का दूंगा, वो तो ये कर लेगा, मुझे विश्वास है, लेकिन प्रेजेंटेशन ये नहीं कर पाएगा, इसको एक्सेल नहीं आता, इसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ये 100 लोगों के सामने बोल नहीं सकता, इसके अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है, मैं उसे क्यों ले जाऊंगा? हां, मैं उसे झांसे में जरूर रखूंगा क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में उससे काम करवाना है। तो आपको ये चीजें करनी है, आपको अपनी जो काम करने की स्किल्स है उसको बढ़ाने के साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स, 100 लोगों के सामने बात करना, इंटरव्यू देना। इंटरव्यू में कोई खा नहीं जाएगा, इंटरव्यू में सामने वाला आपकी तरह ही होता है, वो भी एम्प्लॉई है, उसका भी जॉब दिया गया है कि उसको 10 बंदे सेलेक्ट करने हैं। अगर वो सबको रिजेक्ट कर देगा तो वो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसकी मतलब उसकी धुनाई हो जाएगी, उसका सीनियर उसकी धुनाई करेगा कि भाई तूने बंदे सेलेक्ट क्यों नहीं किए, 100 इंटरव्यू ले लिया तो कैसे इंटरव्यू ले रहा है, उन लोगों की भी धुनाई होती है। तो आपको किसी के भरोसे रहने से ज्यादा अच्छा है अपने में ये सारी चीजें इंप्रूव करिए। वीडियो देखिए, काफी सारी वीडियो है आजकल सोशल मीडिया पे इंप्रूवमेंट के लिए, लीडरशिप, प्रेजेंटेशन स्किल्स,
सारी चीजें आप वहां से सीख सकते हैं और इस तरह से अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी कामयाब हो सकते हैं। आपको बहुत साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप इस टाइम को कम कर सकते हैं। जहां आपको 5 साल लगेंगे किसी पोस्ट में पहुंचने में, वहां पे आपको 2 साल में ही पहुंचा जा सकता है, 2.5 साल में भी। करके देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है जो मेरी इस पूरी वीडियो से रिलेट करता है तो कमेंट जरूर करिएगा।